हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आज गुंजन विश्वकर्मा। आज आपको प्याज की कलौंजी या सब्जी बोल सकते हैं, वैसे कलौंजी टाइप की मैं बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये धनिया, गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, टमाटर, लहसुन, मिर्च और मैंने ये प्याज ले लिए हैं और मैंने कुछ प्याज के टुकड़े भी मैन कर रखे हैं। अब मैं इसको 4 पीस में काट दूँगी, अलग नहीं होना चाहिए। छः पीस हो गया और ये 8 पीस, मुझे ऐसे करके सारे काट लेना है। मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। इसमें थोड़ा सा जीरा, मैंने लहसुन रख के भी। मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल दूंगी और ये लाऊंगी। मैं ब्राउन होकर भूनूंगी। ये मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ये मसाले के साथ डाल दिए, नमक उमक करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ, देख सकते हैं कि मैंने तो थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। तो इसको धीमी आँच पे भूनेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा भून जाएगा तो टमाटर डाल दूँगी। ये मेरा मसाला भून गया है, इसको मैं थोड़ा सा अलग निकाल दूँगी ताकि मैं प्याज को अच्छे से इसको भर दूँ अंदर। फिर मैं इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ, थोड़ी देर तक पकाऊंगी। ये मैंने जो प्याज ले रखा है, अब इसमें ये जो मैंने मसाला अलग से निकाल दिया है, अब मैं इस प्याज के अंदर ऐसे करके भर दूंगी। मैं सारे अब ऐसे ही प्याज को भर दूंगी। ये मैंने प्याज सारे को भर दिया है। अब ये मेरा मसाला भुन गया है, अब मैं इसको निकाल दूंगी। ये मैंने कढ़ाई फिर से रख दी है और कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। जो मैंने ये प्याज को भरा था, अब मैं इसमें डाल दूंगी। सारी प्याज मैं डाल दी, अच्छे ढक के रख दूँगी। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर नमक ले लूँगी ताकि प्याज जल्दी से गल जाए। ये एक तरफ मेरा हो गया है, अब इसको मैं अच्छे से पलट दूँगी। मैंने इसको पलट दिया है, अब फिर थोड़ा सा मैंने तेल भी डाल दिया इसके ऊपर। आप ये देख सकते हैं मेरा प्याज हो गया है, एकदम गल गया है। अब देखिए एकदम गल गया है, अब मैं इसको कढ़ाई बंद कर दूँगी गैस। मैंने कढ़ाई खाली कर दी है, उसमें जो ये मसाला था इसमें डाल दूँगी। हल्का सा पानी डाल के ग्रेवी बना दूँगी इसकी। मैं मसाला में हल्का पानी डाल के इसको ग्रेवी बना दिया है। अब मैं इसको प्याज के ऊपर डाल दूँगी। ये मेरा प्याज हो गया है, अब इसमें जो मैंने ग्रेवी को गर्म किया था, अब इसके ऊपर डाल दूँगी मैं। इसको पराठे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरा प्याज की कलौंजी आपको कैसी लगी, और इसको आप बताइएगा कमेंट में करके कैसी बनी थी। आप भी बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।